जहाँ भी लोक है उसकी अनुभूतियाँ हैं, उसकी अभिव्यक्तियाँ हैं, वही लोक साहित्य है। जन सामान्य का हंसना, गाना, रोना आदि सामान्य क्रियाओं से लेकर मांगलिक क्रियाओं और 16 संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत, पीढ़ियों से दादी नानी द्वारा सुनाई जाती रही लोक कथाएं, लोक गाथाएं, लोक गीत, पहेलियां आदि लोक साहित्य के कोष की अनमोल निधियां हैं। लोक साहित्य जन सामान्य के अंक में पोषण प्राप्त करता है, उसके दुलार में फलता है और जन सामान्य की मृदुल लोरी के स्वरों को सुनकर अपनी आंखें खोलता है, सामाजिक परिस्थितियों के थपेड़े को सहते हुए प्रौढ़ता को प्राप्त करता है। लोक साहित्य के बारे में कहा जाता है, लोक साहित्य एक नदी की भांति है। जिस प्रकार नदी अपने एक हाथ से अपने उद्गम को प्रणाम करती है और दूसरे हाथ से समुद्र में जाकर मिलती है, उसी प्रकार लोक साहित्य भूत से प्रेरणा लेता है और वर्तमान को संवारते हुए भविष्य में आगे बढ़ने की ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार लोक साहित्य मानव विकास के, हमारी संस्कृति के विकास के क्रमिक विकास की कहानी को प्रस्तुत करता है। वर्तमान समय दूर संचार क्रांति का समय है, वैश्वीकरण का समय है और इस समय में बाजारवाद और उपभोक्तावाद का भी हमारे जीवन पर प्रभाव पड़ रहा है। सुख सुविधाओं की तलाश में गांवों से शहरों की ओर पलायन हो रहा है। इस प्रकार लोक साहित्य के अतीत की विरासत हमारे पास है, वर्तमान बदलती हुई परिस्थितियों में इसके स्वरूप पर क्या प्रभाव पड़ा है और इसका वर्तमान स्वरूप किस भविष्य की ओर संकेत कर रहा है, कुछ इन्हीं बिंदुओं पर इस सत्र में विचार मंथन होगा डॉक्टर पंत मैडम के द्वारा। लोक साहित्य का परिचय और किस प्रकार से परिनिष्ठित कहा जाने वाला साहित्य लोक साहित्य से उत्पन्न होता है और समय के साथ उसमें क्या परिवर्तन होता है, इसके साथ ही आपके द्वारा एक संकेत, एक चिंता की ओर संकेत किया गया कि जंगल में उगने वाले वृक्ष को यदि हम अपने बैठक कक्ष में लगाएं, इसी प्रकार लोक साहित्य अपने जो प्राकृतिक रूप में रहता है उसके संकलन, संग्रहण आदि में भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं उसका लोक तत्व समाप्त न हो जाए, या जैसा कि आपने संकेत किया गीतों के परिप्रेक्ष्य में भी कि किस प्रकार से लोक गीत के नाम पर क्या उसका रूप प्रदर्शित हो रहा है। हमारे जीवन में आई कृत्रिमता का भी कहीं लोक साहित्य पर प्रभाव तो नहीं पड़ रहा है, इस संदर्भ में मुझे एक कथन यहाँ पर उल्लेखनीय लगता है, डॉक्टर कुंदनलाल उप्रेती जी का कथन है। एक समय था जब जनता की सरलता, स्वाभाविकता तथा स्वच्छंदता से लोक साहित्य विभूषित रहता था। यह साहित्य उतना ही स्वाभाविक था जितना जंगल में खिलने वाला फूल, उतना ही स्वच्छंद जितनी आकाश में विचरने वाली चिड़िया, उतना ही सरल एवं पवित्र जितना गंगा की निर्मल धारा। और उन्होंने वर्तमान लोक साहित्य को की तरफ भी संकेत करते हुए कहा है कि उस समय के साहित्य का जो अंश आज अवशिष्ट रह गया है वही वर्तमान रूप में लोक साहित्य के रूप में उपलब्ध है। डॉक्टर अभिषाण के द्वारा लोक साहित्य के विविध पक्षों पर अपने विचार अभिव्यक्ति यहाँ पर दी गई और आपने लोक प्रज्ञा की ओर सभी का ध्यान खींचा। इसके साथ ही हिंदी की कहानियों का लोक तत्व के आधार पर विश्लेषण किया और लोक गीतों के संदर्भ में अपने विचार गीतात्मक अभिव्यक्ति के साथ साथ
विचार रूप में भी दिया। इसी संदर्भ में लोक गीतों के बारे में देवेंद्र सत्यार्थी जी का यह कथन मैं उद्धृत करना चाहता हूं। कहां से आते हैं ये लोक गीत? स्मरण विस्मरण की आंख मिचौनी से, कुछ अट्टहास से, कुछ उदास हृदय से जीवन के खेत में ये गीत उगते हैं। कल्पना भी अपना काम करती है, राग वृत्ति भी, भावना भी, और नृत्य का हिलोरा भी। श्री महावीर रवाल्टा जी के द्वारा रवाल्टी के परिप्रेक्ष्य में लोक साहित्य पर प्रकाश डाला गया। आपका मानना है कि लोक को समझे बगैर कोई भी लेखक नहीं हो सकता। इसके साथ ही आपने बाल साहित्य के परिप्रेक्ष्य में लोक कथाओं का भी जिक्र किया और रवाल्टी के परिप्रेक्ष्य में लोक साहित्य पर चर्चा करके विचार व्यक्त करके आपने हमें भी समृद्ध किया।